हेलो फ्रेंड्स, वेब दुनिया कैंपस लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम लोग हाजिर हैं युवाओं से उनके व्यू जानने के लिए कि आखिर ट्रिपल तलाक पर क्या सोचते हैं वो, जानते हैं उन्हीं से। मतलब किसी को तीन बार तलाक 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 बोल करके छोड़ देना है कोई सही चीज़ नहीं होती। संबंध नाम की कुछ चीज़ें होती है यहाँ पे। अब एक औरत है जो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है और बच्चे हैं, फैमिली है, और आप उसे तलाक बोल के छोड़ देते हैं तो उसकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो गलत चीज़ें हैं। शादी एक बहुत पवित्र बंधन है और इतना मतलब करने के बाद सिर्फ तीन बार तलाक बोल देने से अगर रिश्ता छूट जाता है तो ये तो कोई सेंस नहीं है। तो क्योंकि तलाक 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 बोलने से अगर लड़की अपने मतलब चली जाएगी तो फिर उसकी लाइफ तो पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं इस चीज़ को मतलब बिल्कुल भी मानती नहीं हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। ट्रिपल तलाक के बारे में मेरा ये मानना है कि हमारे देश में ट्रिपल तलाक नहीं होनी चाहिए, किससे, क्योंकि इससे महिलाओं की जो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, जो सारी शुदा वूमेन औरतें हैं उनका ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। ट्रिपल तलाक होने के कारण आजकल बहुत सी दहेज प्रथा या कुप्रथाएँ या जो भी कुछ भी हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मुसलमान लोग हैं ना जो वो ट्रिपल तलाक बोलते हैं, तो उससे जो वूमेन औरतें हैं वो सुसाइड कर रही हैं या कुछ भी सख्त से सख्त कदम उठा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को ट्रिपल तलाक बंद करवा देना चाहिए, इस पर सख्त से सख्त मतलब कानून बनाना चाहिए ट्रिपल तलाक के लिए। ट्रिपल तलाक के समथिंग जो एक लड़की की लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। आप किसी से शादी कर रहे हो, मतलब मॉर्मेडियन कल्चर में ऐसा होता है कि शादी करके किसी से शादी करने के बाद आप लोग उसको किसी भी रीज़न के कारण बस छोड़ देते हो तलाक 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 बोल के, और वो लड़की का पूरा लाइफ जो है एकदम से स्पॉइल हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है और अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेजर इशू बनी हुई है। जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके पास भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसमें जा रही है कि हम लोग मतलब जो मॉर्मेडियन कल्चर की जो गर्ल्स हैं और जो वाइफ्स हैं जिनका तलाक हो रहा है वो लोग इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही हैं कि अब हमें उन्हें भी इंसाफ मिले। तो ये मुझे लगता है कि उन्हें मिलना चाहिए और ये ट्रिपल तलाक का जो पूरा प्रोसेस है इसको ख़त्म करना चाहिए। इससे अच्छा है जो हमारा इंडियन कल्चर है जिसमें डिवोर्स का प्रॉपर 1 ईयर का साइन होता है और प्रॉपर उन्हें टाइम भी दिया जाता है समझने के लिए, तो लड़कियाँ भी संभल जाती हैं उस मीनवाइल में 1 ईयर में। यहाँ पे तो मॉर्मेडियन कल्चर में तलाक होते से ही मतलब छोड़ देते हैं और बस थोड़ा सा पैसा जो होता है वो देना रहता है, तो मुझे कल्चर समझ नहीं आता, गलत लगता है। ट्रिपल तलाक में मुझे बिलीव नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कों का कुछ नहीं, लड़कियों की पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। ट्रिपल तलाक वाला जो चल रहा है मैं भी उसके अगेंस्ट ही हूँ। ट्रिपल तलाक यार, तीन बार तलाक बोलने से अगर किसी का हम मतलब तलाक हो जाता है ना तो सोसाइटी पे उसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है एंड वुमेन के लिए बहुत मतलब वो और डीमोरलाइज हो जाती हैं और उनकी कोई वैल्यू भी नहीं रह जाती है। इसलिए ट्रिपल तलाक को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए कहीं पर भी सोसाइटी में, दैट्स इट। एंड आई थिंक ट्रिपल तलाक डिवोर्स इज समथिंग म्यूचुअल होना चाहिए। इफ इट्स म्यूचुअल तो वेदर इट्स गिव नेगेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट आई डोंट माइंड इट, बस म्यूचुअल होना चाहिए। अगर आपको सेपरेट होना है तो इट्स योर चॉइस, चॉइस पर डिपेंड करना चाहिए इंसान की एंड योर साइंस। आई थिंक आपके साइंस, आपकी पर्सनैलिटी, मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू योर साइंस वी कैन अंडरस्टैंड आर पर्सनैलिटी। अगर कोई लियो है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एंड यू नो मैंने पर्सनैलिटी जैसी देखी है। कोई जेमिनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है एंड कोई वीरगो है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल। आई थिंक ऐसे ऐसे करके यू कैन अंडरस्टैंड सम पर्सनैलिटी विद देयर साइंस। एक्चुअली ये बहुत डीमोरलाइजिंग है और बिना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के होता है, मतलब दोनों तरफ से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, एक का होता है सिर्फ ये डिसीजन। फरमान, हाँ, सीधा एक फरमान सुना दिया जाता है, सामने वाले से पूछा भी नहीं जाता है, तो ये काफ़ी गलत है और सही में काफ़ी डीमोरलाइजिंग है, खास करके वुमेन के लिए, क्योंकि ये उनसे पूछा भी नहीं जाता है और डिसीजन ले लिया जाता है। तलाक तीन बार किसी लड़की की लाइफ भी ख़राब हो जाती है और तीन बार तलाक देना अच्छा, अपने हिंदू उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मुस्लिम्स में होता है तो, और वैसे भी अपने जो वो है क्या बोलते हैं गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशो है वो ऑलरेडी बहुत कम है, गर्ल्स का रेशो ऑलरेडी बहुत कम है बॉयज़ के कंपैरिजन में, और अगर किसी गर्ल को मतलब तीन बार शादी करके जो है तलाक दे ना तो उससे दूसरे लड़कों को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके लिए फिर चॉइसेस कम हो जाएगी ना लड़कियों की, लड़कियाँ ऑलरेडी कम हो जाएगी और रेशो पहले ही कम है, तो इस पर बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए।
कोर्ट में ट्रिपल तलाक के खिलाफ डिसीजन लिया गया है। मैं मानता हूँ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुस्लिम्स में जो मैन रहते हैं वो चाहे जितनी शादियाँ करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, तो जो उनकी औरत जो उनकी मतलब वाइफ होती है उन्हें पूरे राइट्स मिलने चाहिए। अगर उन्हें तलाक दे रहे हैं तो उसके साथ मेंटेनेंस जो उनके आगे की लाइफ में उनको मेंटेनेंस के लिए हर महीने या हर साल कुछ पैसा भी मिलना चाहिए और बहुत सारी दूसरी सर्विसेज भी मिलनी चाहिए। और ये ट्रिपल तलाक के खिलाफ सही साठ एक्शन है गवर्नमेंट का, बंद होना चाहिए। ट्रिपल बंद होना चाहिए।